क्या कह रहा है वो? कुछ नहीं कह रहा, अभी मैंने ईमेल किया उसको दोबारा रिमाइंडर के लिए। ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपसे कहा था ना आंटी कि रात को इस घर में कोई था, मैंने खुद देखा था उस शख्स को, मेरा वहम नहीं था। तो हम क्या करें? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आंटी, आप जानती हैं कि वो कौन था? माँ ये तुम्हारी कैब है। तो ये कि तुम कल रात ये कैप पहन के मुझे डराने के लिए आई थी, तुमने सारे घर की लाइट्स ऑफ की और तुम्हारी वजह से मैं सीढ़ियों से गिर गई। मकसद क्या था तुम्हारा? आंटी मैं बताती हूं, ये कल रात मुझे मारने के लिए आई थी, मैं केस करूंगी तुम पर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। ये क्या बोलती जा रही हो तुम? ये सच में पागल हो गई है। तुम जिस रात की बात कर रही हो ना, उस रात जहीन और मैं शाजिम की पार्टी में थे। शायद कोई और भी हो जिसे तुमसे नफरत हो। अब तुम्हारी कोई चाल मुझ पर नहीं चलने वाली माँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये खेल खेलती रहोगी और मैं कुछ नहीं करूंगी? कौन सा खेल, कैसा खेल? जाओ यहाँ से, पागल हो गई हो तुम। आंटी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप पूछे माँ से, पूछे कि इसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ कल रात नहीं, जब से मैं इस घर में आई हूँ ये कोई ना कोई चाल चलती रही है। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही है, कुछ ना कुछ गलत करती रही है और आज ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है। हंस लो माँ, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे रोने के दिन शुरू होने वाले हैं। मैं तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने ला कर रहूंगी, तुम पर केस करूंगी, तुम देखती जाओ। ओ हेलो, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, हमें कोई परवाह नहीं। अब अगर किसी ने भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगी। ओ बहुत पर निकल आए तुम्हारे, पत्ते काटने पड़ेंगे। आप ऐसी गलती करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आप भी मुश्किल में पड़ सकती हैं। देखो मेरी मॉम से तो बदतमीजी हरगिज मत करो, वरना मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारी लाडली बीवी को वार्न करने के लिए आई हूँ कि मुझे अपने रास्ते का पत्थर समझकर हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अम्मा अशफाक पत्थर नहीं चट्टान हूं। बंद करो अपने फिल्मी डायलॉग और जाओ यहां से, चलो। और मैं आपको बता रहा हूं, अब ये लड़की मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज तो इसने हद ही कर दी है। देखो जहीन, इसे टफ टाइम जरूर दो, लेकिन थोड़ा आजाद भी छोड़ो इसे। जिस तरह ये धमकियां दे रही है ना, मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ करने वाली है। फिलहाल तो तारिक साहब की डील पे फोकस रखो। तुम्हें पता है कासिम दाद उस डील के पीछे है, लेकिन मुझे वो प्रोजेक्ट हासिल करना है। हो सकता है कासिम दादी से भड़का। आप आजाद छोड़ने का बोल रही हैं? मैं उसे एक सेकंड यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। माहा इसे समझाओ, इसका गुस्सा हमें ही नुकसान पहुंचाएगा।
कुछ अरसे बर्दाश्त कर लो इस लड़की को, क्या मुसीबत है? मृणाल, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं ऑफिस से निकला तुम्हारी तरफ आने के लिए, लेकिन दिलशाद मैम ने फाइल मंगवा ली, मुझे उनके घर जाना पड़ा। I'm sorry, मैं डिनर पे नहीं आ सका। तुम पहले गलती करते हो फिर मुझसे माफी मांगते हो, मेरा दिल दुखाते हो और सॉरी कह देते हो, आखिर मेरा क्या कसूर है? मृणाल, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, मेरे पास अपनी गाड़ी है और मैं खुद जा सकती हूँ। आप जाइए अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में। आदम हुसैन, तुमने पूछा उस राशिद से कि वो कहाँ था? नहीं मैम, मैं भूल गया। भूल गए? मेरी कही हुई बात कैसे भूल सकते हो तुम? सॉरी मैम। और सुनो, नजर रखो जरा उस पे, कहां आता है कहां जाता है, बल्कि मैं खुद बात करती हूं, भेजो उसे मेरे पास। खादिम हुसैन, दिलशाद आंटी ने जो नया सिक्योरिटी इंचार्ज हायर किया है, आप उसे जानते हैं? जी मैम, बानो का कजन है, वो गांव से आया। वैसे मैम आप क्यों पूछ रही हैं, कोई काम था? नहीं बस ऐसे ही। मैम फिर मैं जाऊं, क्योंकि दिलशाद मैडम ने राशिद को बुलाने के लिए भेजा है मुझे। राशिद बानू का कजन, इसका मतलब ये है कि दिलशाद हाउस में आने के लिए राशिद ने बानू को इस्तेमाल किया और उससे झूठ बुलवाया। कितना शातिर इंसान है। सुनिए आंटी, कुछ चाहिए तुम्हें क्या? मुझे एक्चुअली आपसे सॉरी कहना था। किस बात की माफी? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, दुख तो मुझे खुद पर है कि मैंने क्यों तुम्हें अपनी अमल जैसा समझा, अपनी बेटी माना। मेरी बेटी किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, तुम कभी मेरी बेटी नहीं बन सकती। प्लीज ऐसे मत कहिए, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, आई डोंट नो मैंने ये सब क्यों किया, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। अगर आप कहेंगी मैं राफिर से माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। नहीं नहीं, राफी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे दरमियान जो भी बात हो उसमें तुम उसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? अगर तुम्हें गुस्सा कासिम पर है, मुझ पर है, तो निकाल सकती हो, लेकिन राफी को क्यों बीच में लाती हो? अच्छा प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। अमल समझ के ही मुझे माफ कर दें। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। आंटी प्लीज बासिल को समझाएं ना, वो मुझसे नाराज है, मुझसे उनकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। अब प्लीज बात कीजिए ना। तुम फिक्र मत करो, मैं बासिल से बात करती हूँ। तुम्हारा इस हालत में स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, जाओ कमरे में जाके थोड़ा आराम करो, मैं बात करती हूँ उससे।
कैसी हो मैडम? ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी नहीं, मुझे तो दिलशाद मैडम ने बुलाया था, मैं समझा शायद मैडम बैठी हुई है। कहाँ है मैडम, कहाँ है? तुम दिलशाद आंटी को जानते नहीं हो। अगर मैं उन्हें सच्चाई बता दूं तो तुम सारी जिंदगी झूठ बोलकर नौकरी हासिल करने के जुर्म में जेल में सड़ोगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज होता है। मोहब्बत मैंने तुमसे की थी, मगर अब मैं तुमसे जंग करने आया हूँ। बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। सर सोचना भी मत, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। याद रखना, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। नौकर हो नौकर बन के रहो, घर के मालकों तक पहुंचने की कोशिश भी मत कर। उस दिन तो मेरे हाथ से बच गई थी। मैं जानता हूं अमल, अब भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। कब तक बचोगी? छोड़ूंगा नहीं। लो, तुम यहां खड़े हुए हो, दिलशाद मैडम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही कमरे में। वो मेरा वहां इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तुम कहाँ थी? चलो कमरे में चलो। हेलो जी, अमल अशफाक। हाँ जी, मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। अच्छा, कोर्ट से वापसी कब है? हाँ जी, अर्जेंट मिलना है। चले सही है, जैसे वो फ्री हो या कोर्ट से वापस आ जाए मुझे कॉल कर दीजिएगा। जी जी, एड्रेस भेज दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बताओ, आपका स्कूल कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। आपको पता है, स्पोर्ट्स डे वाले दिन मैं 100 मीटर की रेट में सेकंड आया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे अमल, मुझे बता तो देती कि तुमने आना है, कम से कम मैं तुम्हारी पसंद का कोई लंच तो बना देती। मामा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यूं ही आ गई। आपी, मामा ने मुझसे ना प्रॉमिस किया है कि एग्जाम्स के बाद मुझे वो टेलीस्कोप भी लेके देंगी। अभी मोबाइल तो लेकर दिया है, अब टेलीस्कोप भी? जी मामा, मैंने तो वो जगह भी सोच ली है कि कहाँ पे मैं रख के टेलीस्कोप से आसमान में दूर तक देखूंगा। अरे वाह, तुमने तो पूरी प्लानिंग कर रखी है। अच्छा भाई, तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं जरा किचन में जाती हूँ, तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ओके मामा। आपी के बच्चे, तुमने मेरी परमिशन के बगैर रेहान को मेरा नया नंबर क्यों दिया? वो तो मैंने क्या वो मैं आपी, रेहान भाई कह रहे थे कि उन्हें आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए मैंने दे दिया था। आइंदा मेरी परमिशन के बगैर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? ठीक है, आइंदा नहीं करूंगा। गुड, जाकर मामा की हेल्प कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम अमल? मैं ठीक हूँ अंकल। दिलशाद हाउस में क्या चल रहा है आजकल? मुझे मालूम है वहाँ किसी बड़ी बिजनेस डील पे काम चल रहा है, और ऑफिस के साथ साथ घर पर भी मीटिंग्स हो रही है। अंकल, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें इंटरेस्ट लेना होगा अमल। दिलशाद के घर में होने वाली इस बिजनेस डील के बारे में एक दो दिन में तुम्हें मुझे खबर देनी होगी। मैं किसी सूरत में ये डील दिलशाद को हासिल नहीं करने दूंगा। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि इस डील के मिलने में मेरे लिए इज्जत और दिलशाद के लिए जिल्लत बढ़ेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। अमल, दिलशाद को सबक सिखाने में कुछ सही और गलत नहीं है, सिर्फ मौके की तलाश है। दिलशाद की स्टडी में से तुम्हें मुझे एक फाइल लाके देनी होगी, या कम से कम उसकी पिक्चर लेके ही दे सकती हो, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। अंकल आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और आपने तो मुझे कहा था कि अब दिलशाद हाउस ही मेरा घर है और वहां रहने वाले लोग मेरी फैमिली। आप ही बताएं, मैं अपनी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हूँ? मैं तुम्हें किसी को धोखा देने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें एक सिर्फ फाइल लाने के लिए कह रहा हूँ। क्या तुम इस घर के लिए, अपनी मामा के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? वैसे भी उस घर ने तुम्हें दिया क्या है? चलिए शुक्र है आपको इस बात का एहसास तो हुआ कि उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी बात नहीं मान सकती। तुम्हारे इस इनकार का मतलब, तुम जानती हो ना मुझे इनकार करने का नतीजा क्या हो सकता है? क्या करेंगे आप बताइए, अब और क्या करेंगे? जितना बुरा आप मेरे साथ कर सकते थे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इससे बुरा और क्या करेंगे? मैं अपनी बर्दाश्त और हिम्मत की हर कीमत अदा कर चुकी हूँ, अब मैं मजीद आपके और दिलशाद आंटी के इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। आप आ गए, यहां क्यों खड़े हैं, अंदर आए ना। अमल बेटा अंदर आओ ना, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, घर पर? चलें ठीक है, मैं 15 मिनट में आती हूँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। मामा मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं चलती हूँ। अमल खाना तो खा लूँ। नहीं मामा, मैं दोबारा आऊँगी, मैं बैग लेकर आती हूँ ज़रा। आप आइए। अगर इसके साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की, इसको मारपीट की ना, तो अभी के अभी मैं पुलिस को बुला के तुम्हें उसके हवाले कर दूंगी। जब मैं तुम्हारे सारे हकूक पूरे कर रहा हूं तो तुम मुझे ब्लैकमेल कैसे कर सकती हो? ओ मैडम, कहां गई थी? मामा से मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए उनसे मिलने के लिए गई थी। मामा से मिलने का दिल चाह रहा था या कासिम दाद ने तुम्हें बुलाया था? क्या पूछा उसने तुमसे? सिर्फ मेरा हाल पूछ रहे थे। वैसे भी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे आप लोगों के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आइंदा कहीं भी जाना हो ना, हमसे पूछ कर जाना। हेलो, मैं एडवोकेट परवाना करी। मैं आपको नहीं जानती। मैं अमल अशफाक की वकील हूं। वकील? ओ माय डियरेस्ट मदर इन लॉ, इन्हें मैं यहां लेकर आई हूं। जैसा कि इन्होंने बताया, ये मेरी लॉयर है मैडम परवाना। अब आप जैसे ससुराल वाले मिलेंगे तो वकील रखना तो बनता है ना। यू मे लीव नाउ। मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर आने पर मैं आपको अरेस्ट भी करवा सकती हूँ, समझ रही ना आप मेरी बात को? एक्सक्यूज मी, आप शायद मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं।
मैंने आपको बताया ना कि मेरा नाम परवाना करीम है। I don't care. मुझे आपके नाम में कोई दिलचस्पी नहीं। आप जो भी हैं जा सकते हैं। आप एक वकील को उसके काम से नहीं रोक सकती। Actually, मैंने केस फाइल किया है कि अगर दिलशाद हाउस में रहते हुए मुझे कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदार मेरी सास, मेरा शौहर ज़हीन और उनकी सेकंड वाइफ माहा होंगी। क्यों सासू माँ, ठीक किया ना मैंने? Are you crazy? हम तुम्हें मारने की क्यों कोशिश करेंगे? मॉम, आप इस पागल के मुंह क्यों लग रही हैं? कसूर ना इस वकील का, जो अपने पैसे बनाने के लिए यहाँ आ गई। इसको अंदर किसने आने दिया? राशिद कहाँ है? राशिद, राशिद! मैंने उसको रात की सिक्योरिटी पे रखा है। चले वकील साहबा, शाबाश, आप तो जाएं यहाँ से। हमारे घर का मसला हम देख लेंगे। तमीज से बात कीजिए मिस्टर, आप एक वकील से बात कर रहे हैं। माय डियरेस्ट हस्बैंड, एक तो आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, इसलिए जस्ट रिलैक्स। अब तो आप लोग मेरी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगिएगा, क्योंकि अब अगर मुझे कुछ भी हुआ तो कानून आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। क्यों मैडम परवाना, मैं ठीक कह रही हूँ ना? शी इज राइट। अगर आप लोगों ने अमल इश्फाक को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो कानून हरकत में आ जाएगा। और आप सब लोग लॉकअप में होंगे। वैसे भी दिलशाद मैडम, आपका सोसाइटी में नाम है, इज्जत है, सोचिए क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। Oh, now I understand. तुम मेरे नाम से फायदा उठाकर मुझसे पैसे बनाना चाहती हो, है ना? बताओ कितने पैसे चाहिए? जितने बोलोगी मैं तुम्हें दे दूंगी, अपनी कीमत बताओ। कुछ काम पैसों के लिए नहीं होते मैडम दिलशाद, लेकिन आप नहीं समझेंगी। तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या होगा? सुना आपने मैडम परवाना, मेरे हस्बैंड है ना, वो इसी तरह दिन रात मुझे धमकियां देते रहते। डोंट वरी, अब कानून आपके साथ है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सो मच। अब तो मुझे आप लोग इस घर से नहीं निकालेंगे ना? और ना ही किसी और की तरह काल कोठरी में बंद करेंगे। थैंक यू सो मच, आप आ गए। डोंट वरी, अब तुम्हें इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम औरत हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने लिए लड़ना है। तुम्हारे हस्बैंड के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मुझे। मिल जाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, कोई भी मसला हो बड़ी बहन समझ के मुझे कॉल करना, ठीक है? अमल, आई थिंक ये रेहान है। जी। हेलो। हेलो अमल, ज़हीन सर ने माँ मैम से शादी कर ली, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? किसी को रोकने से अगर नसीब में लिखे फैसले बदलने लगते तो कोई किसी को बेवफा ना कहता। ये मेरा नसीब था और माहा का ज़हीन की जिंदगी में आना उसकी किस्मत, और मैं तकदीर के इस फैसले से बहुत खुश हूँ। ज़हीन जैसा शख्स मुझे अपनी बीवी नहीं समझता, और
ना ही मैंने कभी उससे अपना शौहर माना है। अमल कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त की हैसियत से। थैंक यू रेहान, लेकिन ये लड़ाई मेरी है और अब मैं खुद अकेली लड़ूंगी। बहुत डर के जी लिया, अब और नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस एक बात याद रखना कि अगर कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, तो तुम मुझे अपने साथ पाओ। मैंने तो सोचा था अमल को घर में रखकर आहिस्ता आहिस्ता मेंटली टॉर्चर करूंगी, इससे और कासिम दाद से बदला लूंगी, तुम्हारी और माँ की शादी हो जाएगी और ये अमल सारी जिंदगी हमारा जुल्म सहती रहेगी, फिर एक दिन थक हार कर यहां से दफा हो जाएगी और कोर्ट से जाकर खुला ले लेगी, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और दिल को सुकून भी मिल जाएगा कि इस लड़की की वजह से मेरी बेटी घर से भाग गई थी और मैंने इसे खून के आंसू रुलाए, लेकिन ये लड़की मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और होशियार निकली। अब सही नमल को तलाक नहीं दे सकता, तलाक दी तो 60 करोड़ हक मेहर अदा करना पड़ेगा। इस लड़की के अंदाज से लग रहा है कि ये कोर्ट से खुला भी नहीं लेगी। मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन उस वक्त आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख लिया अंजान, हमें नीचा दिखाने के लिए कितनी घटिया चालें चल रही है वो। तो चलने दो उसको उसकी चाल, मैं भी तो देखूं इस चिड़िया की उड़ान कहां तक जाती है। फिर ऐसे पर काटूंगी इसके कि उड़ना तो दूर की बात, चलना भी भूल जाएगी। ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें अमल का किस्सा खत्म करना होगा। कैसे निकालें उसे इस घर से? हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तुमने सुना नहीं उसकी वकील क्या कह के गई कि अगर अमल को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हम 3 लोग होंगे। अदालत में एप्लीकेशन दे दी है उसने। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई उससे शादी करके। और मॉम आपको क्या जरूरत थी 60 करोड़ रुपए हक में लिखवाने की? हाथ पांव बांध दिए उसने। मेरे बेटे हो तुम, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये अमल इस तरह से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अब ना उसे हम घर से निकाल सकते हैं और ना ही डरा धम खा सकते हैं। All right, just let me think. सोचने दो मुझे कि आगे क्या करना है। लेकिन मैंने सोच लिया है। अमल ने तो कानून का सहारा ले लिया है, लेकिन बिसात की कुछ मोहरे अभी भी हमारे हाथ में हैं, जिससे हम ये बाजी जीत सकते हैं। क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? Oh, you don't have to do anything, Maha. जो कुछ भी करना है ना, मैं खुद कर लूंगी। मैं नहीं चाहती ज़हीन के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। तुम तो इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। आंटी आप ज्यादा ही सोच रही हैं। Don't worry, मैं ज़हीन के साथ हूँ। And I promise.
इसे कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बताओ तो सही। आप लोग बस देखिएगा कैसे अमल नाम का पत्थर हमारे रास्ते से हटेगा। That's enough, महा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, समझाओ इसे, क्या करना चाह रही है? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को समझना होगा। देखा नहीं हमल ने हमारे साथ क्या किया है? आप लोग मेरे साथ चले, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती। क्या दिखाना? अरे आए तो सही, चले। दिखाओ क्या दिखाना है तुम्हें? ये है वो। ये है क्या, क्या दिखा रही हो? ये है अमल की मौत। अमल की हार और हमारी जीत। दिखाओ मुझे। महा तुम पागल तो नहीं हो क्या? बच्चों वाली हरकत कर रही हो तुम? अमल को ये जहर देने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइफ स्पॉइल करने जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि इसमें जहर है? ये मेडिसिन मैंने इंपोर्ट करवाई है स्पेशली अमल के लिए। आफ्टर ऑल हमारे दुश्मन इतने स्पेशल हैं तो उसकी मौत भी जरा हटकर होनी चाहिए ना। नहीं मां ये ठीक नहीं है। कम ऑन ज़हीन, ये मेडिसिन नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। और अगर इसकी डेली डोज हम उसे देंगे ना तो वो मर जाएगी और हम जेल चले जाएंगे। दिस डजंट वर्क एट ऑल। इस मेडिसिन से वो मरेगी नहीं, इससे उसका स्लोली नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा। वो पागल भी हो सकती है। ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। और मजे की बात, इस मेडिसिन के असरात जिस्मानी टेस्ट या किसी भी रिपोर्ट में नहीं आएंगे और इस तरह वो स्लोली मर जाएगी। इस तरह हमारी उसे जान छूट जाएगी और सब इसे नेचुरल डेथ समझेंगे। कहाँ से मंगवाई है तुमने? बस मंगवाई है मैंने। हमें अमल की जान खतरे में डालकर अपनी जान पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। और एक बात और, उसे जरा आजाद छोड़ो, जाने दो जहां जाना चाहती है और कोई भी चीज मुझसे पूछे बगैर नहीं होगी। डू यू अंडरस्टैंड? और कितना आजाद छोड़े उसे?
आपने देखा नहीं, वकील तक तो कर लिया उसने। मां, आपको शुरू से उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए था। मैंने अपनी सी पूरी कोशिश की थी, मुझे नहीं पता था वो इतनी सख्त जान है। बड़ी से बड़ी चीज खामोशी से पी जाती है। मुसीबत। एनीवे, मैं जरा ऑफिस जा रही हूं, तुम लोग भी बाद में आ जाना, मुझे तारिक साहब से जरूरी बातें करनी है कुछ। और सुनो, मुझसे पूछे बगैर कोई भी चीज नहीं होगी। जब मैं कहूं तब ये दवाई इस्तेमाल करना। अब ये खेल मेरे हिसाब से चलेगा, अंडरस्टैंड? ठीक है। करोड़ बचाने के लिए ड्रामा हो रहा है।